मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आयुक्त सभागार में JEEAS से बचाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि JEEAS के बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लाया जाए तथा खराब काम करने वाले MYC को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि आशा एवं MYC का नंबर विद्यालयों पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा बुखार के कारण 2 दिन से अधिक विद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसकी तत्काल सूचना संबंधित टीचर आशा को दे, जिससे बच्चे के बारे में जानकारी मिल सके और उसका समुचित इलाज हो सके। उन्होंने सचेत किया कि लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा तथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त ने जिलेवार CMO CMS से जानकारी ली तो बताया गया कि मंडल के सभी जनपद में PICU PICU एवं ETC सेंटरों पर डॉक्टरों की तैनाती है तथा पूरी तरह प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं। इसके अतिरिक्त सभी उपकरण क्रियाशील हैं तथा दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि अपर निदेशक स्वास्थ्य हर 15 दिनों पर कार्यों की समीक्षा करें तथा उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मंडलायुक्त ने पंचायती राज विभाग एवं मत्स्य विभाग को निर्देश दिया कि तालाबों को चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिससे तालाबों में गंबुजिया मछली डाली जाए। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुअर बाड़ों पर नियमित रूप से निगरानी की जाए तथा दवाओं आदि का छिड़काव भी किया जाए। बैठक में चारों जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMS सहित विभिन्न मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे। मेन हॉस्पिटल के जहाँ पे हमारा PICU है उसके 3-4 सारे CMS और मंडल स्तर के हमारे अपर निदेशक ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय और अन्य हमारी जो सहयोगी विभाग है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। इसमें डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केवल हमारे CMO CMS हैं, बाकी सारे टीम को ये सारे विभाग जी सर हमारे मेन डिपार्टमेंट हैं। लगता है कि वो एग्जैक्टली सेप्टाइटिस है बट आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि क्या होगा, तो एक तो बताएं मेरी साहब की वो एग्जैक्टली क्या है। दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि किसी हॉस्पिटल जो है आपकी ऑन स्लॉट होता है अनफॉर्चुनेटली, तो हम क्या हमारे पास सही इंसफिशियंट बेड हैं, कितने बेड हैं? चारों जिलों वाले जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसकी सर्विस केंद्र साहब बता दें क्या है और क्या कोई समस्या है जो आपको लगता है जहाँ पर हम हमारी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले जाना है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे आपका मंडी है वैसा आपका डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जिस पोडियम साहब सर बिहार की घटना में जो है बारिश के पहले जो हैंडल होता है टॉक्सिक तो खाली पेट खाने से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है उसकी वजह से सर वो क्या इसके सिम्टम भी वही है जो आपके फीवरेज और लीवर और जिसमें हमारा लॉस ऑफ सेंसोरियम और ENTGA और कन्वर्जेंस ये तीन चीज़ें हमें कहीं ये मानते हैं ये या फोन जी तो तीनों चीज़ें मिलती हैं सर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से कन्वर्जेंस हाइब्रिड। तो बेसिकली इसके लिए तो क्या आपकी जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो होनी चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए? मेडिसिन सर इसके लिए सर अर्लीस्ट ट्रीटमेंट मतलब उसको पिछले वर्ष में हुआ है तो जो विभाग की गाइडलाइन है उसमें 5 चाहे वो स्टाफ नर्स को बाहर करना उनकी चेकलिस्ट है उसके नाम के अनुरूप 100% हमारे पास 10 की और उनके इक्विपमेंट्स और जितने भी जगह अभी एक्सपीरियंसी क्या है आपके लेकिन अभी आज की डेट तक हमारे पास जो है